आपको भी लगता है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो एक बोरिंग शो हो चुका है? अगर आपका आंसर हाँ है तो आप जीतते हैं। नॉट जस्ट बोरिंग शो, मुझे लगता है कि ये शो का जो मेन हाईलाइट था कॉमेडी करना, उससे पूरी तरह से भटक चुके हैं। एंड ऐसा क्यों हुआ उसके कुछ रीजन है मेरे पास जो मैंने ढूंढ के निकाला। देखो, ये शो एक ऐसे सोसाइटी के बेस पर था जिसमें एक मिडिल क्लास फैमिली रहते थे, जहाँ पे लोग छोटी छोटी बातों में झगड़ा पड़ते थे, जैसे कि थूका क्यों इधर, ले थूका। एक सरल और एक सिंपल लाइफ दिखाया करते थे, जो कि बहुत मजा आता था रियलिटी देखने के लिए। लेकिन अभी के टाइम में ना सब उल्टा पुल्टा हो चुका है। गोकुलधाम के निवासी हर एक दिन आके कोई ना कोई नया ज्ञान पेलता रहता है, कॉमेडी को छोड़ के। शायद असित मोदी संदीप महेश्वरी की वीडियोस बहुत देखता है। एंड सबसे मेन बात की अभी के टाइम रिच लाइफ दिखाई जा रही है, आलिशान फ्लैट्स, मतलब एकदम पॉश। एंड गोकुलधाम महिलाओं की किटी पार्टीज, मैं बता रहा हूँ ना भाई, कॉमेडी छोड़ के सब कुछ होता है यहाँ पर। तो अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से नहीं होंगे कोई ना कोई, तो बता दो कि यहाँ पे किटी पार्टीज नहीं होती, यहाँ पे सिर्फ होती है फैमिली पार्टी। सब साथ मिलके रहते हैं ना भाई। एंड हम ऐसे सेलिब्रेट करने में विश्वास रखते हैं कि हमें मिडिल क्लास। इस शो का डाउनफॉल जो हुआ उसका मेन रीजन ये है कि शो के जो मेन कैरेक्टर्स थे उनकी जो बेसिक नेचर थे वो पूरे के पूरे बदल गए, अभी एकदम सीरियस वाले हो चुके। मतलब अभी ऑलमोस्ट कैरेक्टर्स सब फेक से लगते हैं। जेठालाल हमेशा एक गुस्से और चिड़चिड़े पति और पिता रहते थे। बबीता के साथ उनकी मासूम सी छेड़खानी अभी और कुछ ही दिखाता है। दया के साथ हमेशा मधुर और रोमांटिक सा रहते थे, लेकिन दया ही गायब हो गई। डोबी, बकवास, पागल, औरत जैसे शब्द अभी खो से गए। अय्यर का जेठालाल का नीचा दिखाना, जेठालाल को नीचा दिखाना, अपमान करना, ये भी एकदम फीका फीका लगता है। बापूजी एक एंग्री पिता थे जो हमेशा जेठालाल को डांटते थे, लेकिन अभी वो संत बन चुके हैं। संत हरे के भसड़ में आके बस ज्ञान छू। बागा भी एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था जो हमेशा जेठालाल के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता था, लेकिन अभी वो एकदम पोलाइट वफादार एम्प्लॉय बन चुका है। 2013 के बाद ये शो सिर्फ एक सामाजिक समस्याओं पर फोकस कर रहा है, कॉमेडी छोड़। चलो मुझे एक बात सच बताना, अभी के टाइम आप न्यू एपिसोड देखते हो या फिर पहले वाले?